Hello my dear students, welcome to the session. IIT JAM Mathematics 2024 पेपर वाज गुड, कैलकुलेटिव था काफ़ी ज़्यादा. अब उसमें रियल एनालिसिस का पोर्शन भी अच्छा आया हुआ था. स्टूडेंट्स काफ़ी डिमांड कर रहे थे, तो बेटा दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 31 सुपर लॉजिकल क्वेश्चन हैं, आराम से होने वाले हैं. तो ज़रा देखिए, करते हैं. आइए, क्वेश्चन नंबर 14 IIT JAM 2024. For n belongs to n, an is given by this expression, bn is given by this expression, then ये पूरा क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपको इन दोनों का नेचर एग्जामिन करना है. कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, दोनों. ओके, नाउ जिन स्टूडेंट से बात हुई है, बेटा सब कह रहे थे कि an आराम से निकल गया था बट bn में प्रॉब्लम हो रही थी. हम थोड़ा कर लेते हैं, पहले an ही देख लीजिए. बेटा जब आप an को देखेंगे तो इधर से आपको दिख रहा है n n, यानी n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा मेरे बेटा. जी, इस तरह का एक्सप्रेशन बच्चे को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की याद दिलाता है. तो बेटा डिफाइन कर लो vn to be 1 by n square. क्या फायदा होगा, सो दैट वो जो लिमिट लेते हैं आप, लिमिट n goes to infinity an by vn. अब ये n स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन तो कैंसिल ही हो गया, तो वी एंड अप विद लिमिट n goes to infinity 1 by 3 plus 2 by n into 3 plus 4 by n. मेरे प्यारे प्यारे बेटा, जब इसका लिमिट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 by 9, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिटी. जिस किसी ने इन्फिनिट सीरीज में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है, ही और शी नोस, जब कभी भी इस रेशो का आंसर नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी आता है तो दोनों का बिहेवियर सेम. दोनों का मतलब समेशन an का बिहेवियर और समेशन vn का बिहेवियर सेम होगा. बेटा vn का बिहेवियर, ये तो टिपिकल पी सीरीज है ना, टिपिकल पी सीरीज है. ऑल्सो समेशन vn इक्वल टू समेशन 1 बाय n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट. दिस इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मेरे बेटा समेशन an इज कन्वर्जेंट. तो ये बात पक्की रही कि an कन्वर्जेंट हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरे बेटा और ये ऑप्शन भी गलत हो गया. बट ए और डी में से क्या करेक्ट है, उसके लिए आपको सेकंड वाला सीरीज बी एन एग्जामिन करना पड़ेगा. सो ये तो सब मैक्सिमम स्टूडेंट से हो गया था. अब बी एन के लिए करते हैं. बी एन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए ये अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्राइक है, चल जाएगा. बट ये कॉस परेशान कर रहा है. एवरीबडी नोस साइन एंड कॉस हमेशा 1 से लेस रहते हैं, तो ये पता लग रहा है अगर आपको कॉस से हटना है, कॉस इरेडिकेट करना है तो बेटा मॉड्यूलस ले लीजिए, लेट्स गो फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, उसी से काम हो जाएगा. जरा साथ आइएगा. जब आपने मॉड बी एन लगाया मेरे बेटा, तो मॉड बी एन में एन पावर 3 प्लस कॉस 3n डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में मॉड की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. And this quantity is less than equal to n power 3 plus mod में cos of 3n divided by 3 power n plus n power 3. हाँ जी, एक लास्ट स्टेप हो रहा है. बेटा साइन हो चाहे कॉस हो, mod हमेशा 1 से लेस रहेगा. तो दिस क्वांटिटी इज फर्दर लेस देन इक्वल टू, लेट मी राइट, n क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n प्लस n क्यूब. यहाँ तक काफी बच्चे पहुंच गए होंगे. उसके बाद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि इसके बाद क्या करना है. तो बेटा छोटा सा ट्रिकी स्टेप, हार्डली अ ट्रिकी स्टेप. ये निचला हिस्सा डिनोमिनेटर से अगर आपका कोई एक पार्ट हट जाए तो मजा आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं. देखिए, ध्यान से देखिए, नोट मेरे बेटा, कैन वी कंपेयर 3 पावर n प्लस n क्यूब along with 3 power n. Yes, this is always greater. हो गया खत्म. So this implies 1 over 3 power n plus n cube is strictly less than 1 by 3 power n. तो ये जो quantity है ये तो इससे less है. So this quantity is further less than n cube plus 1 divided by 3 power n. भाई आप सभी लोग देख लो अच्छे से, बस क्वेश्चन खत्म ही हुआ समझो. So इसको अब मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ. ये छोटा सा ट्रिक तो क्या ही कहेंगे, खैर इसको बेटा ये तो आराम से हो गया. तो ये मॉड बी एन है और इधर जो भी आपका सीरीज आएगा वो कन्वर्जेंट दिख रहा है आपको, नहीं तो अभी जस्टिफाई कर लेते हैं. देखिए क्या आया आपका, एग्जाम का क्वेश्चन है, क्लैरिटी के साथ तो आपको दिया जाएगा. हाँ जी, देयरफोर बेटा आपने ये निकाल दिया, मॉड बी एन इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन बल्कि स्ट्रिक्टली लेस देन है. ये पहला सीरीज है आपका, एन क्यूब बाय 3 पावर एन, एन सेकेंड है आपका 1/3 पावर एन। जिस किसी ने भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है, मेरे प्यारे प्यारे बेटा ध्यान दीजिए, ये आपका छोटा सीरीज है और जो बड़ा सीरीज है उसमें 2 चीजों का सम है। तो लेट मी राइट ठीक है, बच्चों की तरह करा रहा हूं बिल्कुल बेटा। ये वाला पार्ट दिस इज अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये कन्वर्जेंट है एंड इसको आप कॉशीज nth रूट टेस्ट से कर सकते हैं। अगर इसको un मान लिया जाए तो व्हाट इज un पावर 1 बाय n है ना, ये आप देख सकते हैं un पावर 1 बाय n। सो इट इज n पावर 1 बाय n का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा इसका लिमिट क्या आएगा, n गोस टू इंफिनिटी 1/3 व्हिच इज लेस देन 1। वो टेस्ट तो क्या रिकॉल करना, तो यहां un पावर 1 बाय n का जो लिमिट है वो लेस देन 1 है। तो देयरफॉर बाय कॉशीज nth रूट टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। बेटा ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो दोनों का सम भी कन्वर्जेंट होगा। अगर बड़ा सीरीज कन्वर्जेंट है तो बाय बेसिटी छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। आ गया लॉजिकल सॉल्यूशन समझ में आप लोगों को? समेशन एन क्यूब बाय 3n प्लस 1/3n दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, सो दैट इज बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट मेरे बेटा समेशन मॉड बी एन इज कन्वर्जेंट। एंड आप सबको पता है अगर मॉड सीरीज कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यानी कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। था ना बढ़िया मजेदार सॉल्यूशन। सो दिस इज कन्वर्जेंट यानी आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है मेरे बेटा। एकदम क्लैरिटी के साथ सब कुछ करा दिया गया। वेल क्लैरिटी तो होना ही चाहिए लाइफ में भी। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया है। Let sequence an be a sequence of real numbers, then which of the following statements is true? ये B सेक्शन में बच्चों को हमेशा परेशानी होती है क्योंकि उसमें सिंगल करेक्ट नहीं होता, उसमें एक से ज्यादा करेक्ट पॉसिबल है। इसमें तो जिसने गहराई से पढ़ा होगा वही कर सकता है। बाकी देखो अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो स्क्वायर वाला भी होगा, सीरीज है तो क्यूब वाला भी हो जाएगा, सीरीज है यहाँ नॉर्मल है, यहाँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है, नॉर्मली कह रहे हैं। तो नॉर्मल वाले में तो आप सबके पास एग्जांपल है ही। बढ़िया वाला क्या एग्जांपल है बेटा? देखो सी पार्ट एंड डी पार्ट। आप सबको पता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज का टॉपिक आपने पढ़ा है मेरे बेटा। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, बट जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, अगर आप इसको समेशन एन बोल रहे हैं, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे मेरे बेटा, स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा 1/n। सो दिस इज डाइवर्जेंट। मतलब ए एन से एन का स्क्वायर नहीं आता, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे डी पार्ट में देख लीजिए, डी फॉर दिल्ली। हाँ जी समेशन ए एन ले लो मेरे बेटा, अगेन ऑल्टरनेटिंग सीरीज -1 पावर n - 1 इंटू 1/n पावर 1/3। सो दिस इज कन्वर्जेंट। बट जब आप इसका क्यूब लोगे, ए एन का 3rd पावर लोगे, तो बेटा वो बन जाएगा समेशन 1/n। दिस इज डाइवर्जेंट। इज इट ओके? तो ये भी गलत है। C फॉल्स हो गया, D फॉल्स हो गया। अब इसमें तो भाई बैंड बजेगा, जिसने गहराई में पढ़ा है वही कर सकता है। आइए कर लेते हैं। आइए आइए ध्यान दीजिए, ये जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था बच्चों को मैं वैसे ही करा रहा हूँ बेटा। हम ए पार्ट करने जा रहे हैं, ए पार्ट। तो सपोज समेशन ए एन एस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मॉड कन्वर्जेंट होगा बिल्कुल। अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो लिमिट ऑफ nth टर्म विल बी 0। यस हाँ जी। सो क्या आप ये कह सकते हैं प्रैक्टिकली? देख लीजिए अगर सीक्वेंस का लिमिट 0 आ रहा है, अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट 0 आ रहा है तो बेटा उसकी बहुत सारे टर्म 0 के पास होंगी। इसमें मॉड लगा दिया गया है यानी कोई भी टर्म 0 के मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 के पहले तो होगा नहीं, लगभग टर्म्स जो है 0 के बाद में ही रहेंगी। तो यहाँ से आप बहुत बढ़िया लॉजिकल पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा ये 0 है और ये 1 है। अगर ये एज अ सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स 0 से 1 के बीच में लाएगा। आई एम नॉट सेइंग एवरी टर्म बट इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स विल लाई बिटवीन 0 and 1 बल्कि 0 के पास। सो दैट इज आई कैन वेल से 0 less than equal to mod an less than 1 for all n except finitely many. नहीं तो कन्वर्ज कैसे करेगा जीरो पे? हाँ जी, इसके बाद क्या करना है मेरे बेटा? स्क्वायर ये मॉड ए एन से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो दिस इज मॉड ए एन से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया और ये मॉड ए एन बन गया। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आपने बीसीटी देखा था बेटा, ये छोटा सीरीज है ये बड़ा सीरीज है। देखो देखो लॉजिकली देखो, तो ये मॉड ए एन इधर बाहर बैठा है और मॉड ए एन का स्क्वायर यहाँ अंदर बैठा हुआ है। तो जो बाहर बैठा है वो कन्वर्जेंट है, बड़ा कन्वर्जेंट है तो छोटा बी बाई बीसीटी दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, यानी ये परफेक्ट है, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख लीजिए, मैंने क्लास में भी आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया था। मैंने तुम लोगों को क्लास में भी ऐसे पढ़ाया था बाय बीसीटी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट समेशन मॉड एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अब मॉड एन स्क्वायर लिखिए या एन स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है, तो ए पार्ट हो गया। बट क्या ऐसी लॉजिक के साथ आप बी पार्ट भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन। देखिए मैं यही करा देता हूँ आप लोगों को बेटा, यही स्टेप्स होंगे। हम वी आर इन टू बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे, एकदम यही स्टेप्स है। देखिए अभी आपने यहाँ से यहाँ आने पे मॉड एन से मल्टीप्लाई किया, अब एक स्टेप और आगे बढ़ के आप एक बार और मॉड एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा मॉड एन का होल क्यूब स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड एन का होल स्क्वायर। एंड आई थिंक बात तो खत्म ही हो गई। ये कन्वर्जेंट है नहीं है मॉड एन स्क्वायर? अभी तो किया था आपने, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी अगेन बाय बीसीटी है ना, हम कमाल का सॉल्यूशन आप देख लीजिए। सो ए डन, बी डन, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग। भाई ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं, एक ये क्वेश्चन और इससे पिछला, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, हर एक स्टूडेंट से होने चाहिए थे और जिसने अच्छे से तैयारी की है उन्होंने तो बढ़िया तरीके से कर दिया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा।